नमस्कार दोस्तों, अस्तुति इलेक्ट्रिक सेल्स एंड सर्विस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, मेरे पास एक वॉशिंग मशीन का मोटर वायरिंग करने का है, लेकिन दोस्तों देखिए कॉल बनाते समय क्या किए, हमने कहा था कि बराबर गेज देख रहे ना, गलती से क्या हुआ देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे टोटल 7 कॉल दिख रहा है। यहाँ पे एक कॉल इसके अंदर है, अभी निकाला बाकी है, और टोटल 7 कॉल यहाँ पे है, 2 कॉल एक्स्ट्रा है, दोनों 4 था, हमने 2 लपेट दिया देखिए। और दोस्तों मैं वीडियो दिखाने में मकसद हमारा ये है कि गलती अगर हो जाए तो कैसे सुधारें उसको। अगर अभी देखिए बहुत लोगों को जानकारी नहीं देगा, अगर कॉइल बढ़ा दिए हैं, कॉइल बड़ा बन गया है, छोटा बन गया, या फिर कॉइल अलग गेज हो गया, तो क्या करेंगे, फिर उसको बाहर निकाल नहीं पाएंगे, फिर आपको वायर वेस्ट हो जाएगा ये। तो हमने सोचा, अभी हमारे एक मित्र ने कमेंट किया था कि सर आपसे गलती होती है तो आप क्या करते हैं, तो गलती होती क्या करेंगे, गलती अगर हो जाएगी तो उसको सुधारेंगे और क्या करेंगे। तो अभी मुझे याद आ गया, तो बोला लाओ एक गलती हुई है तो पहले बनाते इसी वीडियो ताकि इनको जान जानकारी मिले। दोस्तों इसके लिए क्या करना है, अपने को ये कॉइल उठा लें, और दोस्तों हमेशा अगर आपको वायर खोलने का है तो हमेशा आपको जो कॉइल आपने पहले बनाया था उसी में से खोलना है, बावड़ नहीं खोलना है। अगर बावड़ खोल जाएंगे तो आपका काम बढ़ जाएगा और कॉइल खुलेगा भी नहीं और वायर ख़राब हो जाएगा। दोस्तों फिर क्या करें, इस कॉइल को, छोटे वाले कॉइल को बाहर निकाल लें, इससे गांठ जो है खोल लें। दोस्तों ये सब काम जो है बड़ी आराम वाला काम है, और आपकी दुकान पे कोई बच्चा हो अनाड़ी तो उसके हाथ में ना दिए, नहीं तो पक्का है खराब होने वाला है ये, इसके बाद का भी ध्यान रखें। अब दोस्तों देखिए, आपने वायर निकालना शुरू तो किया है, लेकिन ध्यान देना आपको वायर कहाँ निकल रहा है, कभी कभी क्या होता है गलती से कर गलत जगह निकल रहा है तो भी आपके लिए खतरा है ये। इसको आप देख ले पहले बराबर, नहीं तो आपको एक गलती हो जाएगी तो बहुत दिक्कत देने वाला है ये। इसके लिए पहले आप बराबर देख लें, समझ लें कि वायर कहाँ से क्या है, उसके बाद ही आपको शुरू करना है। दोस्तों देखिए एक हमारा वायर है, ये अंदर से आ रहा है तो इसको आपको बाहर लेना पड़ेगा। इस तरह से पहले एक बार वायर को अंदर ले लें, फिर उसके बाद में फिर दोस्तों क्या करें, सील की जिसमें आपने निकाला था उसी में फिर से लपेटना है, तो लपेट दें बड़ा पकड़ा, इसको लपेट, इसके ऊपर ऐसा जॉइंट मार दें, जॉइंट हमेशा माना दोस्तों लंबा जॉइंट माना है ताकि आप दोबारा वाइनिंग करते हो तब का साइज मिल जाए, मुझे पता लगा जल्दी चक्कर में आपका वाइनिंग ख़राब हो सकता है। दोस्तों कभी गलती हो जाए परेशान नहीं होना है कि परेशान होने से हमेशा काम ख़राब होता है, तो गलती हो जाए तो उसका सलूशन ढूंढें कि गलती होगी इसको ठीक कैसे करेंगे। दोस्तों देखिए वायर हम निकाल रहे हैं, दोस्तों देखिए वायर आप निकालेंगे तो एकदम प्यार से निकालना है, और देखते रहना आपकी नज़र जो है, आपकी नज़र जो है आपके हाथ के ऊपर होनी चाहिए, कहीं कोई वायर अटक नहीं रहा है। और सारी दोस्तों वायर लपेटेंगे आप तो भी ध्यान देना है कि कोई गांठ ना बन जाए। हाँ दोस्तों पहले बात तो ऐसी गलती करनी नहीं चाहिए, ध्यान देना चाहिए आपको वायर कौन सा है, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे रखा हुआ था तो इनको बोला हमने, लेकिन ध्यान नहीं दिया और गलती हो गई। इस तरह से वायर निकालें आप, और आराम से निकालना है आपको, जल्दीबाजी निकालना है। दोस्तों मैं चाह रहा हूँ जो जो गलती होती है और सुधारते कैसे हैं सारा कुछ जानकारी आपको दूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझसे गलती हो सकती है, मेरे आदमी लोग से गलती हो सकती है, तो आपसे भी जरूर होगी तो जानकारी तो होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये गलती हो जाए तो कैसे करते हैं। दोस्तों देखिए मैं फटाफट लपेट रहा हूँ, मेरे हाथ उंगलियाँ बराबर ध्यान से उसी तो है मेरी नज़र, अगर थोड़ा भी अटकेगा तो मालूम पड़े तुरंत मेरे को।
दोस्तों देखिए हमारा एक कॉइल छोटा वाला ये हो चुका ख़त्म। अभी आपको क्या करना है, अब बड़े वाले कॉइल का इंगट खोल लेना है। और दोस्तों अभी हमने एक कॉइल निकाला था और उसमें फंस गया था बड़ा कॉइल, तो आपको ध्यान देना अभी कि बाहर पर कौन सा निकल रहा है, बाहर निकल रहा है ना निकल रहा है। अच्छा दोस्तों देखिए अभी बार हमारा थोड़ा ऐसा है, जिसको छोड़ दें ऐसे ही और इस तरफ से निकाल लें। दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं, इन सब बातों को ध्यान रखें और दोस्तों काम करेंगे तो ध्यान से काम करें ताकि गलती ना हो। और दोस्तों आजकल वायर बहुत महंगा है तो इसके लिए इसको ऐसे बना डाल नहीं सकते, क्योंकि वायर ये शायद 980 रुपये की जो खरीदा था मेरा, अभी जो भाव कम हुआ है बीच में मंगाया था मैं तभी 980 रुपये किलो था ये। दोस्तों कभी कॉइल अगर ज़्यादा बन जाए, एक्स्ट्रा बन जाए या फिर गलत गेज बन जाए तो वायर को तुरंत लपेट दें, नहीं तो वायर आपको भंगार में जाने वाला है। जिस तरह लपेट रहा हूँ मैं इस तरह लपेटना आपको। और हमेशा दोस्तों अगर एक बार आपने इस गलती को मान लिया कि मैंने गलत केज कॉइल बना दिया था तो दोबारा आपसे कभी गलती नहीं, मैं वादा रहा जीवन भर, क्योंकि जैसे आप वायर पकड़ेंगे तैसे आपको याद आएगा कि मैं कन्फर्म कर लूँ कि हाँ मैंने उसे गलत किसी वायर बनाया था, मतलब कॉल बनाया था, तो मुझे ऐसा नहीं करना है। इसके लिए दोस्तों मैं बोलता हूँ जब गलती हो जाए अपने से तो एकदम दिल से मन से मान लें कि हाँ भाई मैंने ये गलती की थी, क्योंकि जो एहसास होता है आदमी का बहुत काम करता है आपके लिए। लेकिन क्या करते हैं हम, सोचते हैं कि नहीं तो मेरी गलती थी नहीं, ये तो उन्होंने बोला था मैंने इसलिए बना दिया। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो फिर गलती फिर दोबारा करेंगे आप। इसके लिए अपनी गलती को एक्सेप्ट करें और मन से दिल से एक्सेप्ट करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ ही दोस्तों बेल आइकन दबा लें ताकि डाल वीडियो में उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत धन्यवाद।